नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार डिस्कशन विद मनोज के इस प्यारे चैनल में, आपके अपने चैनल में, जहां पर हम बात करते हैं डेली एक कोई ना कोई नोटिफिकेशन के बारे में। और आज हम जिस नोटिफिकेशन को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वो है दोस्तों सीडैक। सीडैक आप सभी जानते होंगे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, एक ऐसी संस्था, सरकारी संस्था है ये, पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। उसमें भी जिस मंत्रालय के अंडर में ये काम करती है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो भाई इसमें बहुत सारी जो पोस्ट खुली मैं बता देता हूँ आपको। और देखिए दोस्तों, शुरू करने से पहले ही बता दूं कि पूरी तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन है। और ये जो जॉब अभी आप सुन रहे हैं, भले ही ये सरकारी एक कंपनी है लेकिन इसमें जो जॉब खुली है वो पूरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। सर कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा? जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल का है, या फिर डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कब एंड होगा। और फिर ये भी निर्भर करता है कि भाई आप रेगुलर कब होंगे। आप इसके आपके दिमाग में पहले ये चीज आ जाती है कि आप रेगुलर कब होंगे। देखिए, रेगुलर होना ये पूरी तरीके से निर्भर करेगा किस पर, कि भाई आपने कैसा काम किया कैसा नहीं किया, है ना। और इसमें कोई श्योरिटी नहीं लिखी है कि, क्योंकि ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल पोजिशन है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत अच्छा काम कर जाए, तो कोई भी एक कंपनी अपने अच्छे एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहती। और देखिए दोस्तों, मैं पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो चाहे कुछ भी हो, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं या आप कुछ कर रहे थे और अभी रुक गए हैं, ठीक है, किसी भी चीज के नाम पे, तैयारी के नाम पे आप रुक सकते हैं, घर के नाम पे तो रुक सकते हैं। देखिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस इंसान के पास है ना, उन्हें एक्सक्यूजेस कह लो, मजबूरी कह लो, अब आप चाहे जो कह लो, मजबूरी भी कह के आप बोल सकते हैं मेरी मजबूरी थी या जो भी है। देखिए उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा यह है कि आज अभी इस वक्त अगर आप ये वीडियो ओपन करते हैं, मेरा वाला ये वाला, मतलब आप कुछ तो ढूंढ रहे थे, ठीक है। और अभी अगर मैं इसमें से जो भी बताऊं वो आपके लिए, या ये आपके वीडियो काम का ना हो तो मेरी बातें अभी आपके लिए काम के लिए हैं। क्या है वो बात, वो आपको बहुत से समझ लेनी है। देखिए इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी परमानेंट है नहीं, आपको पता है सब कुछ टेम्परेरी है। ठीक है, इस टेम्परेरी दुनिया में भैया अपना समय, बहुमूल्य समय गवाइए मत, बैठ बैठ के कुछ कमा कमा करके माता पिता को दे दीजिए। भैया क्या पता वो जमीन खरीदना चाहते हो, जो भी हो, देखिए सपने हैं, अगर खरीद ही रहे हैं, अगर बिक रही चीजें तभी तो लोग खरीद रहे होंगे, है ना। हर किसी का सपना होता है बड़ा बनने का, उनका भी होगा बड़ा बनने का, ठीक है। तो घर बैठ करके किसी भी चीज के नाम पर मत वो करिए। कई लोग आपको कहीं ज्वाइन करने जाएंगे तो बोलेंगे यार तुम ये करने जा रहे हो, तुम्हारे सपने अधूरे रह जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसको कुछ उखाड़ना होता है ना जीवन में वो उखाड़ ही लेता है, है ना। तो आप अगर कुछ वाकई करना चाहते होंगे तो ये जॉब पकड़ के भी कर लेंगे। और फिर ये भी नहीं सोचिए कि सर 3 साल के बाद हमें निकाल दिया जाए क्या होगा। अरे भैया 3 साल के बाद और चीजें आएंगी, दूसरी चीजें आएंगी, तुम कल की पहले सोच लेते हो। और यही वजह है जो इंसान आज कुछ नहीं कर पा रहा है ना, वो कल में इतना जिया कि आज में वो कुछ नहीं किया। ठीक है, आपके दिमाग में चल रहा है मेरी कोई एग्जाम आने वाली होगी, अरे वो आने वाली है ना। ठीक है, अभी टाइम होगा ना, अगर कल परसों है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो अभी करिए भैया, है ना। और कल परसों है तो कल परसों पेपर देकर तो फुर्सत ही हो जाओगे। ठीक है, और कहीं से भी पेपर तो आप दे ही पाओगे ना भाई, छुट्टी किसको नहीं मिलती है कि पेपर देने के नाम पर छुट्टी मिल गई, किसी के भी नाम पर छुट्टी ले ली। तो कहने का मतलब ये कि मैं पूरी तरीके से चाहता हूँ कि देखिए आपके मन में कोई एक्सक्यूज ना रहे, क्योंकि मैं एक अभियान, डिस्कशन विद मनोज एक अभियान मानता हूँ, ठीक है, जो मैंने इसलिए शुरू किया ताकि हर घर में नौकरी देख सकूं, है ना। अगर कोई खाली बैठा, किसी में छूट गई है, कुछ भी हुआ है, मेरे पास फोन आते हैं, आपको पता नहीं है, है ना। अभी आप इन चीज़ों निकल नहीं रहे हो शायद, मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन मेरे पास फोन आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कैसे कैसे, मैं क्या बताऊँ आपको। देखिए कि सर बिल्कुल हालत ख़राब है, ऐसी है, कोई जॉब बता दीजिए, कुछ कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप अच्छी जगह पर हैं, आज आपके पास सब कुछ है, देखो कई लोग के घर में तो माता पिता तक जीवित नहीं है भाई, वो बच्चा अकेला हो गया है वहाँ पे। ठीक है, कई फ्रस्ट्रेट घूम रहे हैं, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हो रही इस दुनिया में, आपको पता है। तो अपने आप को अकेला दुखी मत मानिए। पहली बात तो आप ये सोच लेते कि मैं अकेला दुखी हूँ, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप दूसरे के लिए सोचिए कि वो कितना दुखी होगा। ठीक है, आप अपने आप अपने सारे दुख कम कर लेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिए, दूसरे का सोचिए पहले। खुद का सोचेंगे ना तो हमेशा लगेगा कमी है, दूसरे का सोचेंगे तो हमेशा लगेगा यार मेरे पास बहुत कुछ है। ठीक है, और इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए गॉड से। और यही वजह है बेटा, गॉड से थैंकफुल होने का यही एक तरीका होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी के सभी, तो मेरी बातों को समझिए, इस बात को, है ना। मैं बिल्कुल, मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि आपके पास नौकरी हो और आपको कोई रुकावट कोई रोके नहीं, अंदर ही है जो रुकावट है, जो रोकता है ना खुद को, वो अंदर ही मौजूद होता है। ठीक है, तो आप ही खुद को रोकेंगे और कोई नहीं रोक रहा है आपको, ये आप समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है, और आपको पता है चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो चाहे परमानेंट, में हर तरह की जॉब बताता हूँ, गवर्नमेंट से जुड़ी होनी चाहिए, लेकिन वो गवर्नमेंट से जुड़ी बताता हूँ और बिल्कुल ओरिजिनल बताता हूँ। ठीक है, लोगों को फायदा भी हो रहा है, लोग इसे कर भी रहे हैं, मेरी बातें सुन भी रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आप भी आ सकते हैं, आप भी सुनिए, करिए, एक स्टेप उठाइए भाई, आगे बढ़िए, किसी पर निर्भर मत रहिए, खुद पर निर्भर रहिए। जो भी आज आप कर रहे हैं इसके लिए भी दोष आपको खुद को ही देना है। ठीक, इस दुनिया में आप कुछ भी चुनते हैं ना, हमेशा के लिए एक बात शुरू करने से पहले उस काम को ये ठान लो, अगर इसमें कुछ अच्छा हुआ तो भी इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, अगर इसमें कुछ बुरा हुआ तो भी इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। दुनिया को मुझे किसी को दोष देना ही नहीं है, ऐसा ही व्यक्ति एक नंबर की लाइफ जीता है। अब आप चुन लीजिए कि आपको एक नंबर की लाइफ जीनी है या फिर आपको किसी को कोसते रहना कि भगवान को कोसूंगा, इसको कोसूंगा, उसको कोसूंगा, है ना। अरे क्या मतलब है यार, भगवान जब अच्छा दे देगा तो तुम उसकी पूजा कर दोगे, जिस दिन तुम्हारे साथ खराब कर, तुम गाली कर दोगे, मूर्ति फेंक दोगे, सब कर दोगे, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए।
समझ गए, है ना। थोड़ा सा दिखाइए, एक बात मैं आपको बता दूं, मांझी का एक डायलॉग था, जब उनसे पूछा गया कि मालूम है ना, जब पहाड़ खोदते खोदते वो जा रहे थे, तो मांझी से क्या बोला था उसने कि भाई आप भगवान के भरोसे क्यों नहीं बैठते। उसने बोला कि क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो कि यार यही कुछ करेगा, यही उठ करके कुछ कर दे, तो भाई मैं इसी के बाहर सहारे बैठा हूँ, हो सकता है ऊपर से देख रहा हूँ। अरे यार ये कब करेगा यार, अरे करना भाई ये काम तेरे लिए तो है, अरे जाता क्यों नहीं है। अरे यार ये देखो ये तो कुछ और सोचने लग गया, इसके पास तो दूसरी चीजें आ गई। अरे भगवान कुछ नहीं हो सकता, चल रुक रुक रुक, दूसरी अपॉर्चुनिटी आ रही है, अरे पकड़ना है इसको, तो पकड़ इसको, तो पकड़ नहीं। अब लेकिन इस बंदे के दिमाग में कुछ और चल रहा है, नहीं 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 मैं कुछ और सोचूंगा, मैं कुछ और सोचूंगा, ऐसा मत करो ठीक है। ऊपर वाला भी देख देख के परेशान होता है, क्या लीचड़ आदमी है यार, ये तो आगे ही नहीं बढ़ रहा है बिल्कुल भी, क्या करूं इसको मैं, कैसे घसीटूं, क्या करूं, है ना। तो याद रखिए भगवान बात करते हैं आपसे, है ना, ये नेचर के थ्रू बात करते हैं कि बेटा ये आ गई अपॉर्चुनिटी। अब सपोज करो आपने वीडियो ओपन की है और आप मेरी बात सुन रहे हो, क्या पता यार यहाँ बैठ करके भगवान बोल रहे हो, किसे मालूम है ना भाई। मेरे पास भी जो भी आ रहा है कुछ तो होगा ना, कि इतना सोच क्यों पा रहा हूं मैं, क्यों इतना बोल पा रहा हूं, कि कहीं तो कोई तो होगी ना, कोई तो शक्ति होगी जो मुझे आवाज दे रही है, बोलने के लिए बोल रही होगी, ये बोलो। लेकिन देखो हर वीडियो में ये सब चीजें नहीं बोलता हूं मैं, आज अचानक की चीज बोल दी मैंने, ठीक है। तो वजह होगी, क्या पता किसी को ये मैसेज सुनना हो, है ना। हर चीज की वजह समझिए, जो इंसान हर चीज की वजह समझता है और उसको मैसेज समझता है और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बस वही आगे बढ़ता है, ठीक है। चलिए अब मैं शुरू कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया इसमें कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। 3 साल आपको इसमें काम करना होगा, स्टार्टिंग डेट जो है वो आपकी 1 जुलाई है, ठीक है, और एंड डेट आपकी है जो 20 जुलाई है। इसमें जो पोस्ट खुली है वो प्रोजेक्ट एसोसिएशन की है, प्रोजेक्ट एसोसिएट मांगे इसमें, प्रोजेक्ट इंजीनियर मांगे इसमें, प्रोजेक्ट मैनेजर मांगा है और सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर मांगा है, ठीक है। आपसे मांगा गया है कि भैया आपको एक फील्ड में अच्छा खासा स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। सर वो कौन कौन से फील्ड है, तो वो फील्ड में आपको बताता हूँ यहाँ पर। ये देखिए इतनी फील्ड है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर साइंस में बहुत माहिर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनमें बहुत काम किया हुआ है आपने, आपके पास एक अच्छा खासा सर्टिफिकेट भी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये सब पढ़ लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो उसको, है ना। सॉफ्टवेयर सिस्टम, सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फोरेंसिक्स, आईटी सॉल्यूशन आर्किटेक्चर, इंटरप्राइज आर्किटेक्चर, डेटाबेस सिस्टम, और कोई और भी ऐसा कुछ फील्ड जिससे जुड़ा हुआ, एम्बेडेड VLSI, सिग्नल प्रोसेसिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक टेलीकॉम, मतलब इनमें अगर आप हैं, इनमें आपने काम किया है और लगातार काम कर रहे हैं, तो आपके लिए जॉब है, भरिए, ठीक है। आपके पास CDAC का सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो उसको लेकर के कहीं और बड़ी जगह पर अप्लाई कर सकते हो, बहुत बड़ी बात होती है, समझ गया ना। डाटा साइंस, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड क्वांटम, मशीन लर्निंग, ये वो दुनियादारी, बस भैया इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होना है, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान लो आपको अप्लाई करना है प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर व्यू एंड अप्लाई पे क्लिक करके इसको भर सकते हो। अगर आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई करना तो यहाँ कर सकते हो, ठीक है। और आपका लोकेशन देख लो भैया, जॉब का कहाँ रहेगा, वही है, सब में वही सेम है, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, मुंबई, नोएडा, पुणे, तिरुवनंतपुरम, जम्मू, पटना, सिलचर, ठीक है। और यही प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए सेम जगह वही है, बस आपको यहाँ देखना है कि प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया और सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, मॉड्यूल लीड वगैरह, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिखा है प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, लेकिन एक्सटेंशन हो सकता है 3 साल के बाद, लेकिन कैसा परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करता है, इनिशियल पीरियड 3 साल का हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वालिफिकेशन वगैरह वो आपकी सब वैसी होनी चाहिए, CGPA अगर दिया तो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना, पहली बात बोल दी इनने। एक्सपीरियंस बोला शुड पजेस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आप अगर एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर या फिर प्रीवियस एम्प्लॉयर जो भी रहे हो जिन्होंने आपको नौकरी दी है उनके पास से भाई। और एज लिमिट दोस्तों देखो, SC ST OBC या जनरल EWS फिजिकली हैंडीकैप एक्सेप्शन में जो सरकार का नियम होता है वैसे, जैसे SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, OBC को 3 साल की छूट मिलती है, EWS को कोई छूट नहीं मिलती है, फिजिकली हैंडीकैप को 10 साल की छूट मिलती है, ठीक है। और यहाँ देखो जरा, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसे 5 साल की छूट मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसे यहाँ पर आने के लिए पहले NOC देना पड़ेगा, यानी जहाँ वो काम करता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है कि भाई मैं पूछ करके आया हूँ आपके पास, है ना। और चलो बहुत बढ़िया है। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे होना सिलेक्शन भैया। अब देखिए सिलेक्शन होने के तो बहुत तरीके हैं, ये कहने का मतलब ये कि ये आपकी एक्सपीरियंस प्रोफाइल देखेंगे, आप जो भी अपलोड करेंगे, आपका रिटन टेस्ट भी हो सकता है, अगर हुआ तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बाकी इंटरव्यू तो जरूर होगा, है ना, इंटरव्यू जरूर हो सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें अब आपको एडमिट कार्ड में बताएंगे, इन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं बताया, बस इन्होंने बोला हम ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, तो अब इसका मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है। तो एक बात है, और कोई फीस तो है ही नहीं इसमें, आपने देख ही लिया यहाँ पर, ठीक है। कॉल लेटर वगैरह सब आपको मेल के थ्रू भेजेंगे, तो और याद रखिए अगर आपको एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना, आपको लगता है मैं प्रोजेक्ट एसोसिएट के भी अप्लाई करूंगा और प्रोजेक्ट मैनेजर या सीनियर मैनेजर, सबके लिए अलग अलग आपको भरना पड़ेगा, फीस तो कुछ है ही नहीं लग रही, तो बस भर दो भाई, क्या दिक्कत है, अगर आपके पास उस फील्ड में एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको, ठीक है। और बस फिर भर के अपना क्या कहना चाहिए, हाँ देखो जब आप
क्या कहना चाहिए, मेल आईडी और अपनी मोबाइल नंबर अच्छे तैयार रखना। अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना। अप्लाई पे आप जैसे जाओगे तो आपको सारी डिटेल भरनी पड़ेगी, भाई नाम पता, दुनियादारी, पढ़ाई वढ़ाई, एक्सपीरियंस जो भी है सब भर दिया आपने। फोटोग्राफ स्कैन करके पहले रख लेना जेपीजी फॉर्मेट में, और 400 KB से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आपको क्या है, अपने रिज्यूम को अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, 500 KB से ऊपर नहीं, जो भी रिज्यूम होगा ना आपका वो, है ना। और एप्लीकेशन जब भर लो आप पूरा कंप्लीट, तो इसकी प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। और अभी डेट इन्होंने बताई नहीं, तो जैसे ही बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसी के साथ यहीं पे इस वीडियो खत्म करते हैं। जाते जाते सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना, ठीक है। आपका ये अपना चैनल है, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ भलाई करने के लिए आया हूँ दोस्तों। जितना हो सकेगा मुझसे मैं सब करूंगा, मेरी सिर्फ इतनी ही इच्छा है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, बस इतना। आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप कहीं लग जाएं और एक बार मैसेज कर दें, ठीक है। और देखिए, अगर आप सिलेक्ट होंगे ना तो हम यहाँ पे लाइव बात करेंगे। क्यों लाइव बात होंगे? देखिए, लाइव होने से ये होगा कि आपका एक्सपीरियंस शेयर होगा, लोग सुनेंगे, ठीक है। तो वो भी बेचारे समझेंगे कि हाँ यार ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, मैं जो चाहता हूँ ना कि जैसे एक पोस्ट उस पर भी अप्लाई किया तो हो गए सिलेक्शन, अगर ऐसा कोई भी बंदा मुझे सुन रहा है जो एक पोस्ट पर भी सुनने के बाद मेरे कहीं सिलेक्ट हो गया या दो पोस्ट में चला गया भरने और उसकी बात बन गई, ठीक है, तो ऐसे कोई भी है तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट करिए, बिल्कुल करिए। मैंने अपने, देखो जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो आपको ऑलरेडी उसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां आप मुझे मैसेज कर देना कि सर मेरा हो गया है, उसके बाद मैं आपको लाइव लेकर के आऊंगा, तो हम आपस में बात करेंगे ताकि बाकी सुने आपको, ठीक है। तो अब से मैं ये भी शुरू कर रहा हूँ ताकि लोग समझे इस बात को कि नहीं भैया होती है, चीज़ें ऐसी होती है कि भर दिया है ना। कई लोग ऐसे कॉल आए मेरे पास कि सर आपने बताया और हमने भर दिया, और सर मैंने बस भर दिया, मेरा मन नहीं था लेकिन मेरा हो गया, है ना। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि होगा कि नहीं होगा, देखो लेकिन हो गया, समझ गए मैं बोल रहा हूँ, कहाँ लिखा है कुछ पता नहीं। तुम ये मत सोचा करो कि पैसे जा रहे हैं फॉर्म भरने में या क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये टिकट लग रहा है बहुत दूर का, ये सब आलस की बात होती है। जिसको मजबूरी गिनानी होगी ना वो मजबूरी गिनाएगा, वो 100 मजबूरियां गिना देगा आगे ना बढ़ने के लिए, खुद के लिए खुद की लकीरें खींच लेता है। अरे क्या तुम पैसे पैसे सोचते रहते हो यार, माता पिता कमा किस दे रहे हैं भाई, वो इसलिए कमा रहे हैं कि मैं आज जिस स्टेज पे हूँ इससे मेरा बेटा ऊपर उठना चाहिए, और इससे ऊपर उठने के लिए उसको जो जो पैसे की जरूरत होगी मैं दूंगा, तो लो उनसे इस दम पे लो कि पिताजी जो पैसे ले रहा हूं इससे आपका जो सपना ना कि स्टेप ऊपर उठना है, मैं उठ के दिखाऊंगा आपको, मैं उठ के दिखाऊंगा, आप मुझे बस ये 2-500 रुपए इसके लिए, मुझे 2-500 रुपए आप टिकट के लिए, ठीक है। और आप चिंता मत करो, मैं अपना पूरा 100% दूंगा, ये आत्मविश्वास कि मैं अपना पूरा 100% दूंगा, दूंगा पिताजी अपना पूरा 100%, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक। अब सफल हूं फेल हूं फिर मेरी जिम्मेदारी, समझ गए। रिस्क, इस दुनिया में जिसने रिस्क नहीं लिया तो वो कुत्ते की जिंदगी जी रहा है। कुत्ता कभी रिस्क नहीं लेता क्योंकि वो जानवर है, वो एक जगह पर लेटा रहता है। तो तुम सोच लो कि तुम्हें कुत्ता बनना है या इंसान। अगर भगवान ने, भाई अगर हिंदू धर्म में कहा जाता है कि पूरे 84 कोटि योनि पार करके इंसान जो है इस एक एक जीव जो है इंसान बनता है, तो क्यों बना है भाई, है इतना सक्षमता है तेरे पास, इतना सब कुछ कर सकता है तू, लेकिन तू सिर्फ रुक करके बैठा हुआ है, एक डर, अरे पैसा कौन खर्च करे, 500 रुपए सोच रहा है, इतना बड़ा शरीर इंसान का, ऐसा जीवन में आकर के पैसे, अरे सब मिट्टी हो जाओगे एक दिन, कुछ ना बचेगा। इसीलिए जितना हो सके ना उतनी मेहनत करके अभी काम करो, ये सब मत सोचो जिस दिन नौकरी लग गई ना वो जो 500 रुपए तुमने लिए थे कुछ नहीं अकरेगी, कुछ भी नहीं अकरेगी। 25,000 तो पहली बार जितना तुमने फॉर्म कभी जिंदगी नहीं भरागा उतनी पहली सैलरी आ जाती है यार, ठीक है। इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि सर एक पोस्ट है या एक से ज्यादा पोस्ट है, आप बिल्कुल खुल के भरिए। क्या आप मेरी बात समझ गए हैं? अगर समझ गए दोस्तों तो प्लीज कमेंट करना ताकि मुझे पता चले। मुझे तो लग रहा है पत्थरों से बात करता हूँ, है ना, कमेंट में आप सिर्फ डाउट पूछते हैं, ठीक है। डाउट के अलावा कभी ये भी बता दें कि सर हाँ आपकी बातें हमें समझ में आती हैं, अच्छी लगती है सुनने में, तो मुझे भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। मैं जिस अभियान में निकला मुझे मालूम चले मैं किन से बात कर रहा हूँ, किन से डील कर रहा हूँ, सब कुछ ओपन है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल दी है, सब दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, इतना ओपन करके रखा है। कौन करता है इतना ओपन यार, कोई ओपन नहीं करता, सबको लगता है हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं मानता, क्योंकि भैया मैं हूँ तुम्हारा भाई, है ना, मैं हूँ तुम्हारा भाई, तुम्हारा गुरु, तुम जो कह लो, हम साथ में हैं, और हम अगर साथ में हैं तो साथ में दिखने भी चाहिए, समझ गए आप। यहाँ पर कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।